वेलकम टू माय चैनल टीसीडी द क्विन डायरीज। आज आपको बता रही हूँ मैं दिल्ली की जामा मस्जिद का मशहूर असलम बटर चिकन। इसके लिए ये मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन है, ये हड्डी वाला है। आप चाहें तो बोनलेस ले लें, आपकी मर्जी पे है। और इसके लिए मैंने ये सूखे मसाले लिए हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी से आधी चम्मच हल्दी, और आधा चम्मच है जीरा पाउडर, और 1 चम्मच है धनिया पाउडर, आधे से आधा चम्मच है काली मिर्च, 1 चम्मच है नमक, और आधा चम्मच है गरम मसाला पाउडर। इन सबको मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें डाल देंगे एक नींबू, इसी में डाल देंगे दही। ये लिया है मैंने 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल देंगे। और थोड़ी सी 1 चम्मच कसूरी मेथी को मैंने रोस्ट कर मसल लिया है, वो डाल देंगे। इन सब मसालों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसमें चिकन में मैंने सब मसाला अच्छे से लगा के रख दिया है। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें डाल देंगे। इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है, और 1 चम्मच में इसमें बटर डाल दूंगी। इसमें जो चिकन है हमारा मसाला लगा के रखा है, अभी मुझे जल्दी भी बनाना है, इसलिए अभी बना रही हूँ। आप लोग के पास अगर टाइम हो तो आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दें चिकन को। जिससे अपना चिकन जो है वो मैंने रख दिया है इसको फ्राई होने के लिए, तो थोड़ा गल जाए इसके लिए मैं इसको थोड़ा ढक के रखूँगी। फ्लेम मैंने इसकी हाई रखी है। एक मैंने जार लिया है, इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें, इसमें धनिया डाल दिया मैंने, इसमें थोड़ा सा डालेंगे आधे से आधे चम्मच ये काला नमक। इसका पेस्ट बना लेंगे, फिर बताती हूँ क्या करना है। देखिए, मैंने जो हरा धनिया हरी मिर्च की चटनी बनाई थी वो इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे, ये 1 कप मैंने दही लिया है, क्रीम लिया है मैंने, इसमें डाल देंगे 2 चम्मच अमूल का क्रीम है ये। अब इसमें डाल देंगे आधे से आधा चम्मच नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, हमारा चिकन जो है वो गल चुका है। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या है मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से एक जाली लेंगे, ये मेरे आपके पास कोई सी भी जाली हो, बाल्टियाँ सेकने की या कोई भी, या तंदूर वाली जाली कोई भी ले सकते हैं। चिकन है हमारा, इसकी 1-1 जो होतियाँ हैं तो उस पर रख देंगे। ये देखिए, हमारा चिकन जो है अच्छी तरह से सिक गया है, और इसको मैं वापस जो मसाला था इसी में डाल दूंगी। ये देखिए, मैंने ये बटर लिया है, इसको आधा में मेल्ट करूंगी। देखिए, वो कसा लिया है जैसे वो जामा मस्जिद वाले करते हैं, इसी तरह के वो बाउल में सर्व करते हैं चिकन को। मैंने बाउल लिया है, स्पेशल मसाला है ये टीसीडी स्पेशल चाट मसाला है। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये डाल दिया, जो दही बना के रखा था वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये मक्खन मैंने मेल्ट कर लिया है, अभी इसको मक्खन को इस पर डाल देंगे। बचा हुआ जो मसाला है वो भी इसमें डाल देंगे।
ये हमारा जो असलम बटर चिकन है दिल्ली का जामा मस्जिद का मशहूर, वो रेडी है। ये देखिए, आप लोग भी इसको ट्राई करिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।